दुनिया की सबसे पावरफुल चीज जिसे रख देने मात्र से प्यार मिलता है। आज हम आपको दुनिया की सबसे पावरफुल वो चीज बता रहे हैं जिसे रख देने मात्र से प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी बचाई जा सकती है। मनचाहा विवाह पाना हो या वैवाहिक जीवन सुखी करना हो, पार्टनर दूर चला गया हो या किसी के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध अचानक खराब हो गए हो, रिश्तों को ठीक करने के लिए इससे बड़ी चीज पूरे विश्व में बनी ही नहीं है। आज हम आपको वो अद्भुत चीज बता रहे हैं, आज आपको वो अद्भुत स्पेशल चीज बताने वाले हैं जिसके रख देने मात्र से अगर आपने इसे ला करके अपने पास रख लिया तो आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध पूरे विश्व में कोई खराब नहीं कर पाएगा। जानिए पूरे विश्लेषण। इस परंपरा को, इस समुदाय को, इस संप्रदाय को, इस व्यवस्था को, इस साधन को किसी दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं। यहां सिर्फ वही लोग जुड़ते हैं जो सच्चे प्रेम में हैं। ये पाठशाला, ये कक्षा, ये एजुकेशन सेंटर, ये व्यवस्था हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना रिश्ता, अपना संबंध, अपना विवाह, अपना मैरिज, अपना परिवार बचाए रखना चाहते हैं हर हाल में। जो एक्चुअली सच्चे, अच्छे और बेहतर लोग हैं, ये पाठशाला, ये कक्षा उन्हीं लोगों के लिए है। ओपन प्लेटफॉर्म पर भी हमने उसी बेबाक तरीके से काम किया है, लगातार आपको वैसा ही रिजल्ट दे रहे हैं। आपको याद होगा हमने पिछले तकरीबन एक साल पहले इस चीज का प्रॉमिस किया था, तो हम आपके लिए नहीं अपने लिए भी पूजा करते हैं, अपने लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारी तो हर चीज उसी के साथ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है हर कुछ। हमने जो भी कुछ अपने लिए कभी कहा होगा वो सब कुछ कंप्लीट कराया होगा। आपको हमेशा बताते हैं, कह के करवाते हैं, भविष्य, ज्योतिष, जो भी कुछ विधा है, जो भी परंपरा है, वो सबके लिए है ना। जितना वो आप पर काम करती है चीजें, उतनी ही काम हम पर भी करती है। खैर, आज की यात्रा बहुत सरल है। आज हम कह रहे हैं कि इस वस्तु को केवल अपने घर में ला करके रख देने मात्र से आपके रिश्तों में, संबंधों में हमेशा के लिए स्थिरता आ जाएगी, हमेशा के लिए वो रिश्ता, वो संबंध आपका हो जाएगा। देखिए, सिर्फ ये यहीं पर काम नहीं करता। आपके अपने रिश्ते खराब हो, संबंध खराब हो, व्यवस्थाएं खराब हो, चीजें कितनी भी गड़बड़ हो गई हो, उसके बावजूद भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस चीज से बुरी आदतें समाप्त होती हैं, बुद्धि विवेक निर्मल होता है, विवेक में, ध्यान में, ज्ञान में, सोच में, समझ में, चिंतन में स्थिरता आती है, वास्तविकता का भान होता है, पता चलता है, और रियालिटी में जीवन में इंसान प्यार को समझ पाता है। ऐसी कितनी ही चीजों का लाभ मिलता है। वस्तु बहुत सस्ती है, बहुत सामान्यता अवेलेबल है, लेकिन इसमें चमत्कार असीमित है। इतना चमत्कार है कि आप जैसे ही इस वस्तु को देखो, हम बात कर रहे हैं पेरी डॉट की। पेरी डॉट, ये पहली बार नाम सुना है ना, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पेरी डॉट नाम का एक ऐसा स्टोन आता है, ऐसा पत्थर आता है, है तो ये उपरत्नों में से एक है, तो ये बहुत सामान्य चीज, लेकिन आप मार्केट में कहीं से मिल सकती है। आपके आसपास कोई रत्न बेचने वाला होगा, वो कुछ सैकड़ों में ही आपको दे देगा, हजारों तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, कुछ 100 रुपए में ही आ जाएगा, 100, 200, 400, 500 तक। पेरी डॉट एक ऐसा स्टोन है, ऐसा रत्न है जो बहुत अत्याधिक चमत्कारी है। इसका रंग जो है ना, वो प्रकृति का रंग है, जहां पूरी की पूरी प्रकृति तब ज्यादा हसीन और बेहतरीन और सुंदर दिखती है जब पूरी प्रकृति हरित होती है। हरियाली हमेशा संपन्नता का प्रतीक है। संपन्नता के लिए लोग कहते हैं फलो फूलो। क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग? कहते हैं फलो और फूलो। फल और फूल, ये दो ऐसी चीजें हैं प्रकृति की। एक प्रसन्नता का अभिप्राय है और दूसरा आपके अपने कर्म के, जो भी कर्म के द्वारा मिला हुआ प्रसाद है उसका फल है। तो फल भी चाहिए और प्रसन्नता भी चाहिए। ये कहां से मिलती है? ये मिलती है प्रकृति से।
प्रकृति हमेशा हमें यह सिखाती है, एक से दो भले, दो को एक करें, दो लोगों को एक रखें, हमेशा दो। जब हम खेत की जुताई करते हैं दो बैल चाहिए होते हैं, पहले हल चलता है, बाद में दोबारा से एक और लकड़ी का होता है जिसको बराबर करने के लिए चलाया जाता है, पटा बोलते हैं उसे। अत्यधिक चीजों को आप नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे तो आप प्रकृति में हमेशा दो चीजों का सम्मिश्रण देखेंगे। हमेशा फल पहले हरा होता है फिर पीला होता है, हमेशा फल पहले अपने वास्तविक रूप को पाने के पहले फूल बनता है फिर फल बनता है। ये प्रकृति का अद्भुत नजारा है। जीवन यहीं से शुरू होता है, किसी भी फल की शुरुआत पुष्प से होती है। तभी तो रोज तुम्हें कहता हूं मुस्कुराओ। जब तुम प्रसन्न हो जाओगे, जब तुम मुस्कुराना सीख जाओगे, जब तुम डेफिनेटली अच्छे बनने की कोशिश करोगे, जब तुम सकारात्मक हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में फल आएगा। फल कब आएगा? When you can smile yourself। जब तुम स्वयं स्माइल करते हो, हंसते हो, उसके बाद जीवन में प्रसन्नता आती है। छोटी छोटी खुशियों को संजोना सीखो, बड़ी खुशियां नहीं आती। अत्यधिक अभाव प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब बहुत तुम उदासीनता में रहते हो, जब बहुत दुखी तकलीफ और निगेटिव मानसिकता के साथ रहते हो, तो तुम ये दर्शन देते हो कि मुझे यही चाहिए, जो बोगे वो पाओगे। ये सुना है ना, तुम क्या बोते हो पूरा दिन? बुराइयां, निगेटिविटी, सोचते रहो। अरे ध्यान से समझना, आग के पास रहने वाला व्यक्ति तपता जरूर है। ध्यान से समझना, काजल की कोठरी में कितनों काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पहलागी है, कुछ तो लग ही जाएगा साहब। दिन भर तुम बुराइयां सोच रहे हो, दिन भर तुम निगेटिविटी चला रहे हो, दिन भर उल्टा सीधा सोच रहे हो, किसी की बुराई के बारे में चिंतन कर रहे हो, यही मिलेगा। इट्स वेरी क्लियर, यही मिलेगा तुम्हें। मत करिए ऐसा, प्रसन्न हो जाइए, अच्छा सोचिए, सबका भला सोचो, तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। जब तुम बेहतर चिंतन करते हो तो तुम्हें बेहतरी अपने आप मिलने लगती है। तुम क्या करते हो? पूरा दिन कुढ़ते रहते हो, पूरा दिन नेगेटिविटी चलती रहती, पूरे दिन दिमाग को खराब दिशा में चलाते रहते हो, तुम्हें अच्छा कैसे मिलेगा? तुम्हें अच्छा तब मिलेगा जब एटलीस्ट तुम सोचना तो शुरू करो। वचनम किम दलिद्रम, बोलने में, चालने में, सोचने में भी पैसा लगता है क्या? नहीं तो भैया, जीवन में फल चाहिए। आपको करना कुछ खास नहीं, आपके अपने घर में अगर किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्तर ठीक नहीं हो तो उसे भी आप इसे गले में या हाथ में पहना सकते, छोटी उंगली में। कोई बुरी संगति में है, बुरे कर्मों में है, बुरे काम करता है, उसे भी अगर ये स्टोन पहनाया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके घर में खराब चीजें हैं तो भी इस स्टोन को अगर वास्तु यंत्र के साथ रखा जाए तो 100% बेनिफिट मिलता है। अब वापस आते हैं, प्यार, रिलेशन, रिश्ता, संबंध कैसे बच सकता है? आपको करना क्या है? आपको एक पेरीडॉट नाम का ये स्टोन लाना है और हरी मूंग के अंदर भर के, हरे ही कपड़े के अंदर बांध करके अपने उस जगह पे रख देना है जहां पर आप रोजमर्रा के अपने कपड़े रखते हो, जहां पर आप अपने वस्त्रादिक रखते हो। मात्र इतना करने से, करने का दिन होगा बुधवार या तो रविवार, इन दोनों दिनों में से कभी भी अगर ये आप उपाय कर लेते हो, बहुत जल्दबाजी हो तो शुक्रवार भी किया जा सकता है। ये उपाय पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से करना, न कोई मंत्र की जरूरत है, न कोई ढंग की जरूरत है, ना ही किसी चीज की आवश्यकता है। ये इतना चमत्कारी है, बस मात्र इतना कर देने से। बस एक काम करना, जिस समय गांठ मार रहे हो उस समय एक बार अपनी बात, अपनी इच्छा, अपनी मनसा बोलकर माथे से लगा करके रख देना। बस इतना करने से आपका काम 100% होगा और जो तुम चाहते हो वही होगा। बात नहीं हो रही हो, रिश्ता खराब हो गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, अब
एंड टाइम पर आकर के सब चीजें हाथ से छूट रही हो, किसी भी कंडीशन में रिश्ता संबंध प्यार हो, उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना और खुश रहना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुस्कुराइए और अच्छा रहने की कोशिश करिए। अपना ध्यान रखिए, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।